रियासत आंध्र प्रदेश में आज से बच्चों के स्कूल शुरू, इसका खुलासा यूपी एजुकेशन मिनिस्टर आदिमूलकु सुरेश ने किया और उन्होंने कहा कि भैया 9% टीचर्स ने वैक्सीनेशन ले लिया है और 15 से 18 साल के बच्चे भी ज्यादातर वैक्सीन ले लिया है। स्कूल्स के बच्चों के एजुकेशन फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया है, ऐसा यूपी एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा। कांग्रेस पार्टी के साबिका सदर राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने इस हिंदुस्तान में नफरत फैला दी है जिसे सिर्फ और सिर्फ भाईचारे ही शिकस्त दे सकती है, यानी इस दुश्मनी को हिंदू मुस्लिम की भाईचारे ही खत्म कर सकती है। और उन्होंने मजीद यह भी कहा है कि यह नफरत भरी सियासत मुल्क भर में बेरोजगारी की जिम्मेदारी है। रियासत कर्नाटका के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि मुस्लिम खवातीन के स्कार्फ के मुताल्लुक वहां की हुकूमत गैर जरूरी तनाजा पैदा कर रही है, मुसलमानों के मजहबी और आजादी जबरदस्ती छीन रही है। उड़पी में मुस्लिम स्टूडेंट्स के स्कार्फ को पहनकर स्कूल को जाने वाले 6 स्टूडेंट्स को क्लास के बाहर निकाल दिया गया है। रमजान मुबारक 2022 को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माह रमजान मुबारक में इफ्तार का दस्तरखान लगेगा पूरे कोविड गाइडलाइंस के साथ। हर सब में सिर्फ 5 नमाजी ही बैठेंगे और हालात सुधरने के बाद हर सब में 12 नमाजी बैठेंगे, इसका खुलासा वहां की सऊदी हुकूमत ने किया है। रियासत आंध्र प्रदेश में कल से यानी 18 जनवरी 2022 से रात की कर्फ्यू यानी नाइट कर्फ्यू शुरू होगी। संक्रांति 2022 को मद्देनजर रखते हुए रियासती हुकूमत ने 11 जनवरी 2022 से जनवरी 17 2022 तक हटाने का फैसला लिया था, जबकि आज से संक्रांति की छुट्टियां खत्म होने पर नाइट कर्फ्यू कल से यानी 18 जनवरी 2022 रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगी। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।